इसमें मासी है, मासी नहीं आ रहा, बता नहीं रहे लोगों को यार। उसी गाँव से? आप उसी गाँव से? क्या नाम आपका? संतोष शर्मा। शर्मा सुनो, ये भी उसी गाँव से है, संतोष शर्मा नाम उनका। उसमें मासी है, उसमें मासी ही है, उसमें मासी है, ना सैंपल कराने। हाँ साथ में यार कोई भैया, मासी है। हेलो, मैं 2 मिनट रुक गया, चले मत जाना आप लोग। सुनो, साथ में जाएंगे, रुक लो आप। भैया सुनो, हम लोग साथ जाएंगे। अरे हम तो आगे साथ जाएंगे। नहीं, हम लोग साथ जाएंगे, जो मास इसमें गाय का लेकर आप जा नहीं सकते हो, हम लोग साथ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मास इसमें, इसमें वहाँ से सुनो सुनो रुको सुनो, इसमें मास लेके जा रहे हैं, यही गाय का, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, पूछो इनसे। नहीं नहीं पूछो, नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं माँ तो आप यहाँ उतर, नहीं 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 वहाँ मैटर पड़ जाएगा जिसको आप, नहीं नहीं माँ से माँ को गाय का माल उसको यहाँ उतारो, नहीं 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 बंद कर, बंद करो, यहीं खड़े रहो, बंद करो, बोला आप जनसंख्या, बोला कहाँ रहते हो भैया, संख्या बोला हमारे पर। क्या मामला है सर? ये गाय गोवंश की हत्या का एक मामला सामने आया है, मामला कहाँ का है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आज सुबह थाना महाराजपुरा क्षेत्र अंतर्गत चकरायपुर ग्राम है, जहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ किसी गोवंश का वध हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स वहाँ पहुंची और वहाँ एक सर्चिंग की गई, और जो संदिग्ध लोग थे उनके घर में सर्चिंग करने पे एक बर्तन में कुछ पका हुआ मांस पाया गया, जिसको मौके से जब्त करके वेटरनरी डॉक्टर्स की उपस्थिति में उसकी सैंपलिंग की गई है और परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ प्राइमा फेसी इसमें FIR कर ली गई है गोवंश प्रतिषेध अधिनियम और अन्य IPC के सेक्शंस में, और प्रिवेंटिव अरेस्ट के प्रयास जारी हैं, जल्दी ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। नहीं, अभी मैंने जैसा बताया प्राइमा फेसी FIR की गई है, जो भी उसके वो हैं आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके कब्जे से वो चीजें बरामद की जाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।